8 दिनों में मेरे कपड़े नहीं हुए हैं फाइनलाइज। कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया, आते ही गिफ्ट मिला भाई, इसलिए डेफिनेटली बहुत मिस किया। बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों के खिलाड़ी हैं, हाँ साफ है, पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट इट टू बी। हेलो जी, कैसी हैं आप? हाय, गुड गुड। मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, अरे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना। पहले कुछ चलते रहते हैं ना ट्विटर वॉर्स जैसे, जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूव किया। मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। राहुल, जिस ट्विटर वर्ग की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, आप सब घर पे बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। किसी एक ने नहीं दिया, होता क्या है कि हर स्टंट अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा, बट हाँ विशाल जो है उसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं। मैं पहले दिन से, विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं पहले दिन से, एंड ही इज़ अ अल्ट्रा लेजेंड, ये आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको पता चलेगा क्यों। इतना देखिए ये शो बहुत मज़ेदार है, हम सब बस में एक साथ आते जाते थे, और एक दिन क्या हो रहा था, वो भी लाइव गई थी, मैं भी लाइव गया था, और हम दोनों आपस के कमरों में थे, मतलब सामने आमने सामने, तो मैं सोचा चलो मस्ती करते करते मैं उसके कमरे में चला गया, एंड इट वाज सो मच फन, बहुत मज़ा आया। ये शो की खासियत ये है कि किसी एक के साथ नहीं बट सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। यू नो ये शो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ शेयर करते हो रूम, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम जब सब बस में जाते थे स्टंट्स करते थे, इनफैक्ट कोई और भी स्टंट कर रहा होता हो तो हम सबको चेयर करते थे शो का। तो ये शो की जो एक टीम स्पिरिट, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट साथ में खेलते हैं, तो ये वैसा स्पिरिट था इस शो का, एंड बहुत मज़ा आया। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मज़ेदार हुआ जैसे? एक ऐसा स्टंट हुआ है जैसे देख के रूबीना को बहुत तकलीफ होगी, वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे, एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड जितनी तकलीफ रूबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी, तो अब आप ये समझिए क्यों हुई है। रूबीना को, अभिनव को देख के तकलीफ होगी या आपको? हम दोनों को देखकर तकलीफ होगी, हम दोनों को देखकर तकलीफ होगी।